हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एम्पलीफायर कनेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TDA 7294, जो हमारा होम थिएटर का बोर्ड होता है उसके बारे में। ये हमारा टावर होम थिएटर के अंदर लगा होता है भाई। तो कई भाई पूछ रहे थे कि टावर होम थिएटर के अंदर कौन सा बोर्ड होता है, तो यही वाला बोर्ड होता है। आप ध्यान से देख लो इसको आज, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जो नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे आउटपुट की। तो ये हमें देता है 100 पल्स 100 वोट आउटपुट, यानी कि 2 चैनल है ये IIC में, ठीक है। और इसकी वायरिंग वूरिंग जो भी कुछ है इतनी हार्ड नहीं है, और मतलब इसके अंदर पोर्ट भी दिए हैं अलग से, वहाँ पे आप कनेक्टिंग वायर लगा सकते हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर कौन सा लगाना है। तो इसके अंदर हमें ट्रांसफार्मर यूज करना है 25025 का। तो ये 25, ये रेड वाली 25-25 रहेंगी, ठीक है, 75। और इसके अंदर लगाना हमें ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो ये हो गए हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, यहाँ से सीधे डायरेक्ट। बेस ट्रेबल वॉल्यूम का कुछ भी हमें मतलब कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रेम दिया हुआ है। यहाँ पे अलग से बोर्ड है बेस ट्रेबल का, और साउंड मतलब आवाज़ भी यहीं से कंट्रोल होगी, ठीक है। तो जो ये हमारी वायर है यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये हो गए हमारा स्पीकर के कनेक्शन, ठीक है। और ये हो गए हमारे यहाँ पे दूसरे स्पीकर के कनेक्शन। तो इस तरह से ये हमें यूज़ करने हैं। और इसके अंदर आप सबवूफर यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आएगी। और ऑडियो इन के लिए यहाँ पे ये पोर्ट हैं, अगर आपको ये प्रेम्प हटाना है, मान लीजिए ये आपका हटाना है आपको, ठीक है, तो ऑडियो इन के लिए यहाँ पे पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे पोर्ट दिए हुए हैं। और ये देखो, ये है पोर्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर लगा सकते हैं ऑडियो इन के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो देख सकते हैं आप, यहाँ से जो ये हमारी वायर निकल के आई है, ये है प्रेम्प के लिए वोल्ट, जो कि 15 वोल्ट हमें यहाँ से देंगी। जो ये पूरा सर्किट है, ये यहाँ पे 15 वोल्ट के लिए बनाया गया है, देख सकते हैं आप, 15 वोल्ट यहाँ से निकल के आएगी, और ये माइनस यहाँ से निकल के आएगी, और जो बीच वाला है यहाँ से ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा सकते हैं। और 5 वोल्ट यहाँ से मिलेगी, जो कि मॉड्यूलर के लिए होगी, ठीक है। तो आप इसके अंदर मॉड्यूलर यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ कार्ड वगैरह, ठीक है। तो और क्या रह गया, सा वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह तो कुछ है नहीं। अब ऑडियो इनपुट की बात करते हैं इसकी, कि इसके अंदर इनपुट कहाँ देना। तो इसके लिए भी आपको पोर्ट मिल जाएंगे, और देखो ये है हमारा ऑडियो इन, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर ऑडियो इन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो इन देनी है हमें, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जो बीच वाला है वो ग्राउंड रहेगा, और ये लेफ्ट राइट, ठीक है, इस तरह से काम करेंगे। यहाँ से हम इनको कनेक्शन देना है, और इसके अंदर इनपुट देनी है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपरली काम करेगा, और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी इसके अंदर हमें मिलेगी। और जो साउंड टेस्टिंग की वीडियो है वो भी जल्दी ही आएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने बता दिया इसके अंदर टोटली क्या कुछ है, ठीक है। बोर्ड भी दिखा दिया आपको टावर होम थिएटर के अंदर कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर भी बता दिया है 25025 का लगेगा 5 एम्पियर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, बाय बाय।